भारत और चीन पड़ोसी देश हैं, दोनों क्षेत्रफल में बड़े और बड़ी आबादी वाले देश हैं, दोनों तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात ओलंपिक खेलों की होती है तो चीन की तुलना में हम भारतीय काफी पीछे हो जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप वास्तविकता को पहचान सकें। टोक्यो में जारी ओलंपिक मुकाबलों में चीन मेडल टैली में टॉप 5 देशों में शामिल है, जबकि हम नीचे के देशों में। यह कड़वा सच है कि हमारे देश में क्रिकेट को छोड़कर किसी और स्पोर्ट्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। टोक्यो से पहले भारत ने अपने 121 साल के ओलंपिक इतिहास में 28 पदक जीते हैं, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक हैं और इनमें से 8 अकेले हॉकी में जीते हैं। जबकि भारत के विपरीत चीन ने पहली बार 1984 में भाग लिया और टोक्यो मैच से पहले 525 पदक जीत लिए हैं, जिनमें से 217 स्वर्ण पदक हैं। एक बार रूसी बास्केटबॉल से जुड़े लोग टैलेंट की खोज में भारत आए। उन्होंने 126 ऐसे लड़के चुने जो 15 से 16 साल के थे और जिनकी हाइट 6 फीट से अधिक थी। उनकी ट्रेनिंग के अलावा उनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी ली गई। अगले दिन लड़कों के माता पिता को हस्ताक्षर के लिए बुलाया गया, लेकिन पेरेंट्स ने हंगामा शुरू कर दिया कि खेत में काम कौन करेगा, गाय कौन चरेगा और नौकरी कौन देगा। दोस्तों अंग्रेजी का एक शब्द है डिजायर, जिसमें कई शब्द छिपे हैं, जैसे चाहत, मनसा, अभिलाषा, लालच और यहाँ तक महत्वाकांक्षा और लगन भी। जानिए वह वजह जिसके कारण चीन हमसे आगे है। फर्स्ट, चीन में पूरे समाज के सभी तबके में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी पदक को हासिल करने की जबरदस्त चाह है। शुरू के वर्षों में चीन में यह मेडल पाने की चाहत सिर्फ चाहत नहीं थी, बल्कि दरअसल एक जुनून था और ऊपर से देश की शान को बढ़ाने की तमन्ना भी। सेकंड, चीन के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग साइंटिफिक और मेडिकल साइंस के आधार पर ज्यादा जोर देकर करवाई जाती है, जिससे वो पदक ज्यादा प्राप्त करते हैं। थर्ड, चीन में बंदोबस्त रेजिमेंटेड होता है, जिसे सभी को मानना पड़ता है और भारत में ऐसा करना मुश्किल है। फोर्थ, चीन में माता पिता और परिवार वाले बचपन से ही अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने की चाहत रखते हैं, जबकि भारत में माता पिता बच्चों को पढ़ाने पर और बाद में नौकरी पर ध्यान देते हैं। भारत की गंभीर कमियों में से अधिकतर के बारे में हमें पता है, जैसे खेल संस्कृति का अभाव, पारिवारिक सामाजिक भागीदारी की कमी, सरकारों की प्राथमिकता नहीं, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, और अंत में गरीबी और खेल से पहले नौकरी की प्राथमिकता। तभी तो पीटी उषा ने कहा है कि हम आईटी और दूसरे क्षेत्रों में विश्व ख्याति के लोग पैदा कर रहे हैं, हम कई फील्ड में दुनिया के कई देशों से आगे हैं, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन खेल किसी की प्राथमिकता नहीं है। भारत में खेल किसी की प्राथमिकता नहीं होने के कारण न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारें बजट आवश्यकता के अनुसार खर्च करती हैं। सभी राज्य सरकारों का स्पोर्ट्स बजट प्रति व्यक्ति 10 पैसा भी नहीं है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।